कृपालु भज कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम राम जी की स्तुति राम भक्त मोदी के साथ साथ असंख्य राम भक्त लीन नजर आ रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी आरती लिखते हैं, श्री राम लला की आरती आज वही यहाँ ठाकुर जी की आरती गाई जा रही है, राम की उपासना हो रही है, शंख नाद हो रहा है, करतल ध्वनि से गर्भगृह के साथ पूरा मंदिर प्रांगण और अयोध्या नगरी गुंजायमान हो रही है, राम जी की आराधना चल रही है। आज सनातनियों को वाकई उत्सव का माहौल मिला है, आज बधाई का अवसर मिला है, क्योंकि रघुराई अपने भवन में विराजमान हो
हमारे शुभ तस्वीरें या मंगल तस्वीर आप जिनके दिव्य दर्शन कर रहे हैं। सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव ऊंच अरु नीचु अमय सुजीवनु माहरू नीचु माया ब्रह्मा जीव जगदीसा लक्षी अलक्षी रंग अवनीसा कासी मग सुरसरी क्रमनासा मरु मारव महिदेव गवासा स्वर्ग नरक अनुराग बिरागा निगमागम गुण दोष विभागा जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार संत हंस गुण गहही पय परि हरि बारी विकार अस विवेक जब दे विभाता जब तजी दोष गुण ही मनुराता काल सुबाहु करम बरियाई भले प्रकृति बस चुकई भलाई आज माया मोह लोग क्रोध आज मन से सबको निकाल कर बाहर फेंक दे। कलयुग के इस काल में ये सारी मायाएं तो हमारे साथ चलनी ही है। इसे दूर कर पाना बड़े बड़े देवों के लिए कठिन है, हम तो फिर सिर्फ मनुष्य हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आज जिस वक्त हम प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं, क्या उस क्षण में हम माया मोह लोभ क्रोध इसे मन से निकाल पाएंगे? एक प्रयास भर तो कर सकते हैं। आज प्रभु के सामने अपने हाथों को करबद नमन करते हुए एक अर्चन आप भी अपने मन में कर लें, एक संकल्प आप भी अपने मन में कर लें। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बुरा करने से तो बच लें। आज प्रभु श्री राम जी के दर्शन आप कर रहे हैं, उनकी नेत्र ज्योति को आप देख रहे हैं और आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझें, क्योंकि 500 पीढ़ियों में आपकी पीढ़ी शायद सबसे सौभाग्यशाली है और इतिहास में अंकित होने वाली है, जब प्रभु श्री राम के निवास उनके अपने प्रासाद में हो रहा है। प्रासाद जिसका अर्थ है भवन, वो दिव्य भवन, वो अलौकिक भवन जो इस वक्त आप अपनी आंखों से निहार रहे हैं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदव किनर रज निचर कृपा करहू सब सर्प। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सभी को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में प्रणाम करते हुए ये कहते हैं, आप सब पर मुझ पर कृपा करें। और ये कृपा इसलिए क्योंकि कृपा निधान करुणा निधान चराचर जगत के स्वामी विष्णु के अवतार श्री राम लला अपने गर्भगृह में पधार चुके हैं और राम लला की कृपा हर मनुष्य को प्राप्त हो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। पूजन विधि पूर्ण हो गई है, बाईं ओर से लोग निकल कर आ रहे हैं। आप सोचिए, मैं तो इसे शब्दों में बांधने की कोशिश कर रही हूँ और हर बार मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के ही शब्दों को उधार ले रही हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी खुद ये कहते हैं कि मैं प्रभु श्री राम की वंदना कैसे करूँ, उनके रूप का बखान कैसे करूँ, उन्होंने जो लोगों का उद्धार किया उसे मैं अपने शब्दों में कैसे बांटूं। राम श्री राम राम भरता ग्रज राम राम श्री राम राम रण कर्कश राम राम श्री राम राम शरणम भव राम राम श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचंद्रः
स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, राघव रूप में माँ कौशल्या के राघव, वही नाम जो माँ कौशल्या ने उन्हें दिया, उसी राघव को आप इस वक्त, आप 5 वर्ष के बाल रूप में इस वक्त देख रहे हैं। अद्भुत छवि निश्चित तौर से, और इन्हीं को वर्णित किया गया है कि नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़ कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीट मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम। भक्तवत्सल के सामने भाव विह्वल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि।